कांग्रेस के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता अशोक अली टोंक ने अजमेर में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। टोंक ने कहा कि पीएम मोदी ने जब जनता से झूठे वायदे किए हैं, बीजेपी अपने घोषणा पत्र को भी लागू नहीं कर पाई। उन्होंने केंद्र में सरकार बनने पर अजमेर में बिसलपुर का पानी लाने की सहित जिलों की सभी समस्याओं के समाधान की बात कही। मैं जब आज से 8 साल पहले मेरी मेडल्स भी मैंने क्या कहा, मेरे शब्दों को आप रिपीट कर रहा हूं, मेरी मेडल्स भी मैं क्योंकि मैं राजस्थान का एमपी था, मैं अजमेर का एमपी नहीं था, मुझे जोधपुर की भी बात करनी थी, जयपुर की भी बात करनी थी, 3 विधानसभा क्षेत्रों से मैंने चुनाव लड़ा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं एमपी बना तो राज्यसभा का एमपी था, तो आपके सामने नक्शा होता है राजस्थान, राज्यसभा की कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो स्टेट होता है, तो मेरे स्टेट में क्या होना चाहिए, मेरा स्वप्न क्या है, मैंने मेरी मेडल्स थी, मेरा स्वप्न को तत्कालीन सरकार के साथ